दर्शकों, आखिरकार जयगांव के जेडीए गोपीमोहन मैदान का ग्राउंड लेवलिंग का कार्य जो है आरंभ हो चुका है और यहां पे 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के तौर पे फुटबॉल टूर्नामेंट का भी शुरुआत होने जा रहा है। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे आयोजक कमेटी को जिन्होंने ये पहल किया है, ये मैदान को लेवलिंग करने के लिए, ये मैदान को साफ सुथरा करने के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी शायद अगर जेडीए प्रशासन ने ली होती तो मैं उनका भी तारीफ करता, लेकिन खेल कूद कराने के लिए संस्थाएं इस तरह से कार्य कर रही है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग हाल फिलहाल में ही कल ही हम लोग एक विजुअल साफ सभी के समक्ष दिखाए थे किस तरह से मैदान का अवस्था हो रखा था। लड़कियां जो है यहाँ पे मैदान में खेलते अभ्यास करते हुए नजर आई थी और किस तरह से गंदगी यहाँ पे मौजूद था। इस समय इस मैदान को मेंटेन करने का कार्य शुरू हो चुका है और आज सुबह सुबह ही जेसीबी मशीनें लगाकर मट्टी यहाँ पे लेवलिंग करने का कार्य किया गया है। जो आयोजक संस्था है उनके द्वारा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे 70th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां इस मैदान में शुरू हो चुकी है और बच्चे भी इस मैदान में आके अभ्यास समय समय पे करते दिखते हैं और हम लोग खुश हैं कि कम से कम ये मैदान को खेलकूद के लिए तैयार तो किया जा रहा है। अन्यथा प्रशासन की क्या भूमिका है और प्रशासन की क्या सोच है कि इस मैदान को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। इतना बड़ा बड़ा स्टैंड बना के इसी तरह से छोड़ दिया जा रहा है। गंदगी यहाँ पे तमाम लोग डंपिंग करना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे आके शरण, यहाँ पे बंजारा कम्युनिटी के लोग आके यहाँ पे शरण लेना भी शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन इस समय का जो दृश्य है वो दृश्य आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं। मैदान को लेवल किया जा रहा है और ये एक अच्छी संकेत है कि ये मैदान पे खेलकूद होगा और यही कार्य के लिए ये मैदान को डेवलप करना चाहिए। मैदान में ज्यादा खेलकूद हो इसके लिए प्रशासन को भी अपना पहल करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आयोजक कमेटी है, 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के आयोजक कमेटी है, उनके सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। भाई, किस तरह का तैयारी चल रहा है और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? धन्यवाद विजय भैया, आप आए यहाँ पे। विशेषकर हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे जयगो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा 22 साल से यहाँ पे गोपीमोहन में कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ जयगो के सभी वासी, जयगो के सभी स्कूल के बच्चे, जयगो के प्रधान अध्यापक सब आके, समाज सेवी आके यहाँ पे 15 अगस्त को बहुत बड़ा कार्यक्रम रखते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, फुटबॉल का टूर्नामेंट आयोजन करते हैं यहाँ पे। तो फुटबॉल का टूर्नामेंट इस बार दो कैटेगरी में रखा गया है, बॉयज ओपन फुटबॉल और गर्ल्स इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। तो कल से हम लोग का यहाँ पे फुटबॉल का आयोजन होगा भव्य तरीका से। सब दर्शक आएंगे यहाँ पे फुटबॉलर को हौसला अफजाई करने के लिए। और आज सुबह से हम लोग ने जयगांव में जितने भी ग्राउंड के यहाँ पे पानी के कारण नाली जैसा हो गया था हालत, यहाँ पे ग्राउंड भी बहुत गंदा हो गया था यहाँ पे। तो जेसीबी लाके हम लोग ने सुबह से कड़ी धूप में हम लोग ने यहाँ एसोसिएशन का मेंबर रह के पूरा ग्राउंड को लेवलिंग करने का काम किया है। कल भी काम चलेगा, लेबर आके ये ग्राउंड का सफाई और जितना भी पत्थर है यहाँ पे उसको हटाया जाएगा। उसके बाद कल से यहाँ पे फुटबॉल का आयोजन है। मैदान का अवस्था देख के काफी दुख लोग होता है, काफी आयोजक जो भी संस्थाएं हैं वो लोग काफी मेहनत ये लोग को करना पड़ता है। जी जी। लेकिन समय समय पे ये मैदान जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होकर मेला ग्राउंड बन जाता है या बंजारा लोग का यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का ग्राउंड बन जाता है, काफी बार डंपिंग यार्ड भी बन जाता है। काफी बार हम लोग देखते हैं कि कचरा जो नालों का निकलता है वो यहाँ पे लाके डंप कर दिया जाता है, मिट्टी वगैरह, कचरा वगैरह। तो इस तरह का परिस्थिति है, प्रशासन ज्यादा इस विषय में चिंतित नहीं दिखता कि इस मैदान को स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए, कुछ और ज्यादा प्रयोग में आता है। तो इस विषय में क्या कहेंगे?
देखिए, इस विषय में यही कहूंगा कि जयगांव के वासियों के लिए, जयगांव के फुटबॉल प्रेमी, जयगांव के स्पोर्ट्स के बच्चे के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज जयगांव का जो स्टेडियम ग्राउंड है वहाँ पे पर्टिकुलर खेल के लिए ये मैदान को रिजर्व करके अधिकारियों को रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है प्रत्येक साल मेला लगता है। मेला लगने के बाद ग्राउंड में खुदाई होता है, वहाँ पे मेला के लिए खुदाई करने के बाद ग्राउंड में गड्ढा किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ग्राउंड कभी भी एक लेवल पर नहीं आता है, खेलने का स्थिति हेल्दी ग्राउंड नहीं बन पाता है। बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, आज देखिए देश में ओलंपिक का सीजन चल रहा है, अभी पेरिस में देश के बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पे ओलंपिक खेलने के लिए गए हैं, लेकिन आज यहाँ पे जयगांव के बच्चे में भी प्रतिभा है, लेकिन खेलने के लिए एक मैदान चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए बच्चों को। अगर ये ग्राउंड को हम लोग अच्छी तरह से रिजर्व करके खेल मैदान के लिए पर्टिकुलर रखा जाए, इसको सुधारा जाए, यहाँ पे और बाउंड्री का हम लोग को यहाँ पे दरकार है, बाउंड्री करके ग्राउंड को साफ सफाई करके यहाँ पे घास भी उगाया जा सकता है, घास उगाने से ग्राउंड में और लड़कियां भी आके यहाँ पे खेल सकती है इस ग्राउंड में। ऐसा क्या वजह है, जयगांव में करोड़ों रुपया खर्चा होता है डेवलपमेंट के नाम पे, इस मैदान के लिए कुछ नहीं हो रहा, एक बाउंड्री वॉल नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्राउंड लेवल तक नहीं हो रहा, समय समय पे देखा जाता है सड़क पे जेसीबी चलता रहता है, सड़क लेवलिंग चल रहा है, मिट्टी वहां से कट रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन ये ग्राउंड को लेवल करने के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है, ग्राउंड को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। देखिए, मुझे लगता है शायद जयगांव के जितने भी प्रतिनिधि है जो सरकार में रह के सरकार को यहाँ का जितना भी खबर सरकार तक पहुंचाते वो मीडिएटर को इस ग्राउंड के बारे में शायद पता नहीं है। शायद उनको लगता है कि यहाँ के बच्चों के लिए खेलने के लिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को विकसित किया जाए, इसके तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि खेल के प्रति जागरूक कभी हो के आगे आके यहाँ के जितने भी क्लब है, जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसको बुला के ग्राउंड को किस तरह से सजाया जाए ताकि यहाँ से बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे जाके ओलंपिक खेले, जाके नेशनल रिप्रेजेंट करे, स्टेट रिप्रेजेंट करे, इस विषय में यहाँ के प्रतिनिधि को लगता है मुझे जीरो नॉलेज है, तभी ग्राउंड के लिए कुछ सोच नहीं रहे वो लोग। आने वाले दिन में फिर यहाँ पे मेला लगे तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ने पहले भी जेडीए के चेयरमैन को कहा था कि जयगांव का जो मैदान है वो स्पोर्ट्स के लिए खाली रहना चाहिए, यहाँ पे मेला या कोई बलुआ जमा हो जाए सड़क पे उसको लाके यहाँ पे डंपिंग किया जाए, इसके लिए ना रखे जयगांव का उसको, यहाँ पे जैसे बंजारा आके बैठा हुआ है, उन लोगों ने किसका परमिशन लेके, किसका अनुमति लेके यहाँ पे बैठा है ये भी हम लोग को पता नहीं। और हम यही चाहते हैं, जयगांव के जितने भी स्पोर्ट्स प्रेमी है, खेल प्रेमी है, आपसे निवेदन करते हैं जयगांव का ग्राउंड को प्लीज आप पर्टिकुलर खेल मैदान के लिए रखिए, यहाँ पे मेला एक्टिविटी, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड के लिए जयगांव का बच्चों का भविष्य को मत बिगाड़े, मत खिलवाड़ कीजिए, ये आपसे अनुरोध करते हैं। जी, काफी बढ़िया आपने बात कहा और आपको शुक्रिया है कि आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। जी जी। और इसी तरह से आगे बढ़े, आप लोग के साथ हम लोग हैं। जी जी। और आपका नाम और परिचय? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया, आपने अप्रिशिएट किया आके। मेरा नाम योगेश थापा है, मैं जयगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ और कल से यहाँ पे स्पोर्ट्स करने के लिए मैं स्पोर्ट्स का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ यहाँ। धन्यवाद हम लोग से बात करने के लिए। और ये है युवा पीढ़ी, ये है युवा सदस्य, जयगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्य जो यहाँ पे इस समय देखभाल कर रहे हैं और इस मैदान को तैयार किया जा रहा है। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि ये विजुअल्स केवल इतना ही के लिए हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, जो जेडीए के प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, जो ऑफिशियल्स हैं और साथ साथ में माननीय चेयरमैन साहब श्री गंगा प्रसाद शर्मा जी, उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये मैदान को आप डेवलप करने का जिम्मेदारी लें। आपने काफी कुछ वादा किया था, आगे भी हम लोग आपसे काफी आशाएं लगाए हुए हैं और जयगांव वासी भी काफी आशाएं लगाए हुए हैं और वो आशाओं को आप बरकरार रखें, आशाओं को सपना ना रहने दें, उसको हकीकत में भी बनने के लिए, करने के लिए आप अपना पहल करें। जयगांव का जेडीए गोपी मोहन ग्राउंड स्टेडियम के रूप में विकसित हो, इसके लिए आप अपना पहल करें और इस मैदान पे आने वाले दिनों में बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स भी यहाँ पे आयोजित हो, इसके लिए आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कृपया करके आप अपना पहल करें, आप अपना जो वादा है वो पूरा करें और उस समय भी हम आपसे आएंगे और आपको धन्यवाद देने के लिए हम लोग आपके लिए विशेष
टेलीकास्ट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से विदा लेना चाहूंगा ये दृश्य दिखाते हुए। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।